हेलो दोस्तों, टेक टाइम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हसन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें रिलायंस जियो का प्राइम यूजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी, अगर आप हमारे चैनल के फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इस वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए बात करते हैं रिलायंस जियो के प्रीमियम प्लान के बारे में, क्या हमको वो लेना चाहिए, 99 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और नहीं करवाना चाहिए तो क्यों नहीं करवाना चाहिए, फिर करवाना चाहिए तो इसके बेनिफिट क्या है और फिर नुकसान क्या है। तो ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसके प्रीपेड प्लान के बारे में बता देता हूँ और रिलायंस जियो के प्राइम के बेनिफिट बता देता हूँ। ठीक है, तो आप प्रीपेड प्लान में देख लीजिए, कोई सा भी प्लान लीजिए, अगर आप प्रीमियम यूजर हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आप समझ लीजिए डब आपका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल डबल हो जाता है। अगर आप 19 रुपये का भी, सबसे मिनिमम रिचार्ज 19 का है, अगर आप 19 रुपये का भी रिचार्ज करवाते हैं जो कि एक दिन का है, तो आपको 200 MB मिलेगा। अगर आप प्रीमियम नहीं है तो आपको 100 MB मिलेगा। तो इससे आप अगर कोई सा प्लान लीजिए, हम 96 प्लान ले लेते हैं। ठीक है, 96 में देखिए, यहाँ पे 7 GB मिल रहा है प्राइम को, अगर प्राइम यूजर नहीं है तो 0.6 GB मिल रहा है। तो यार कितना डिफरेंस है, इसमें आप खुद देख सकते हैं। तो प्राइम लेना एक तरह से बहुत ही अच्छा है और कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 99 रुपीज़ है ये। आपको एक तरह से आप समझ लीजिए, आपके सिम का कॉस्ट भी समझ सकते हैं इसे, आप समझ लीजिए आपको आपने जो नया सिम लिया उसका कॉस्ट 99 रुपीज़ है। तो 99 रुपीज़ पेमेंट करके आप काफ़ी सारे बेनिफिट भी ले सकते हैं। आपको पेमेंट करना कैसे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और फिर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी ये तो बात करते हैं प्रीपेड के लिए। ठीक है, प्रीपेड में कोई सभी प्लान देख लेते हैं हम, सारे प्लान में डबल बेनिफिट है। यहाँ पे देखिए 28 GB मिल रहा है और फिर दूसरे साइड में हमें बस 2.5 GB। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है अगर आप प्राइम लेते हैं तो। ठीक है, ये तो प्रीपेड के लिए हो गया, अब हम पोस्टपेड के लिए बात करते हैं। ठीक है, पोस्टपेड में देखिए यहाँ पे 3 प्लान है, पोस्टपेड में अभी बस फिलहाल 3 ही प्लान आए हुए हैं। पोस्टपेड में अगर हम देखते हैं 303 रुपये वाला, देखिए यहाँ पे 30 GB मिल रहा है मंथली, मतलब 1 GB आप पर डे यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है बस आपको 2.5 GB मिल रहा है। चाहे आप एक दिन में यूज़ कीजिए, 5 मिनट में यूज़ करिए, या फिर एक दिन में यूज़ करिए, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे देखिए 499 वाले में भी यही है कि आपको 600 GB मिल रहा है 5, और यहाँ 60 GB मिल रहा है सॉरी, और यहाँ पे आपको 5 GB मिल रहा है। तो कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं। तो आप दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि आपको सच में प्राइम यूज़र लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको प्राइम यूज़र लेना चाहिए कि या नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको जियो यूज़ करना है तो आप प्राइम यूज़र ले ही लीजिए, क्योंकि इसके फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि रिलायंस ने खुद ही अनाउंस किया है कि फ्यूचर में आने वाले प्लान जो है वो, और भी जो प्लान्स है वो प्राइम के लिए अलग होगा और नॉन प्राइम यूज़र के लिए अलग होगा। जिसके अगर प्राइम में लेते हैं तो उसको आप, अगर आप प्राइम यूज़र लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं फ्यूचर में। उससे आप रिलायंस जियो के सारे एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हो, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।